हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन और स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल एसटी फिल्म्स में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपनी ये जो एमआईडी होती है, इसमें कुछ सेटिंग्स होती हैं, जैसे लाइट सेटिंग्स, सिक्योरिटी सेटिंग्स, क्लॉक सेटिंग और डोर सेटिंग। तो आज हम बात करेंगे डोर सेटिंग्स के बारे में। तो डोर सेटिंग्स पे आने के लिए सबसे पहले तो सेटिंग्स में जाना पड़ेगा हमें। उसके लिए आपको ध्यान रखना होगा, दो नॉब्स होती हैं अपने क्लस्टर में, एक ये लेफ्ट हैंड साइड पे और एक ये राइट हैंड साइड पे। तो लेफ्ट हैंड साइड वाली से सबसे पहले कंफर्म आपको कर लेना है कि ये जो टोटल किलोमीटर्स हैं, ये KM जो लिखा हुआ है, इस टोटल किलोमीटर्स मतलब टोटल रनिंग किलोमीटर्स जो होते हैं कार के, वहाँ पे होना चाहिए। जैसे अब ये ट्रिप ए पे है तो ये ट्रिप ए पे काम नहीं करेगा ना ट्रिप बी पे, ये टोटल किलोमीटर्स पे यहाँ पे होना चाहिए। जब आप यहाँ पे होंगे तब इस राइट हैंड साइड वाली नॉब को आपको 5 सेकेंड तक प्रेस किए रहना होगा। और देखिए, सेटिंग्स में आ गए हैं। तो सबसे पहले सेटिंग होती है क्लॉक सेटिंग। उसके बाद आप इसे क्लॉक वाइज घुमाएंगे तो ये इस नेविगेट करेगी। ये देखिए, क्लॉक वाइज घुमा रहे हैं। ये देखिए, डोर सेटिंग, लाइट, सिक्योरिटी, और ऐसे ही एंटी क्लॉक वाइज घुमाएंगे। ये देखिए, डोर, क्लॉक, फिर से क्लॉक वाइज, डिफॉल्ट, एंड, फिर से क्लॉक। तो हमें आज बात करनी है डोर के बारे में, डोर सेटिंग्स के बारे में। तो इसे एक बार एंटी क्लॉक वाइज डोर में आ गए। अब इसे एक बार पुश करेंगे तो डोर सेटिंग में एंटर हो जाएंगे हम लोग। ये देखिए, पुश किया, ये आ गया D1। फिर क्लॉक वाइज घुमाएंगे D2, फिर क्लॉक वाइज D3, फिर क्लॉक वाइज D5, फिर से बैक और फिर से D1। तो इसमें 4 सेटिंग्स हैं, D1, D2, D3, D5। तो सबसे पहले बात करते हैं D1 के बारे में। D1 लिखा हुआ है, इसे एक बार पुश करेंगे, ये D1 में आ गए। अब D1 में दो ऑप्शन है आपके पास, D1, SL1, और जब इसे क्लॉक वाइज फिर से घुमाएंगे तो D1, SL2। तो अभी देखिए, इसे मैं जूम करता हूं, ये देखिए, ये जो SEL लिखा हुआ है, ये इसका मतलब है सिलेक्ट। तो अभी मेरा D1 में SL2 सिलेक्ट है। तो SL2 का क्या मतलब है, ये देखिए, SL1 और SL2। SL2 का मतलब है इस D1 सेटिंग में कि आपने देखा होगा, आप अपने रिमोट है उससे आप एक बार जब अनलॉक करते हैं कार का, तो सिर्फ ड्राइवर साइड डोर ही अनलॉक होता है। दोबारा में अनलॉक करने के बाद आपके बचे हुए तीनों डोर और डिग्गी अनलॉक हो जाती है। तो D2 में जब आप ये सिलेक्ट होगा तो ये फंक्शन करेगा। अगर आप यही D1 में सिलेक्ट कर देंगे तो एक ही बार अनलॉक करने में आपकी पूरी गाड़ी, चारों डोर्स और डिग्गी, सारा कुछ अनलॉक हो जाएगा। तो इसे मैं भी D2 पे ही रहने देता हूँ। उसके बाद ये देखिए, बैक, D1 बैक। तो बैक पे आके एक बार आप इसे पुश करेंगे, बैक आ जाएंगे। तो D1 का हो गया। अब D2 पे चलते हैं। D1 इसे मैं पुश करता हूँ तो D2 पे अब आ गया। D2 में देखिए, SL1, SL2, ये SL2 मेरा सिलेक्ट है। और SL1 और 2 में क्या फर्क है, अभी SL2 मेरा सिलेक्ट है। SL2 का काम है, ये है आपका जो स्पीड सेंसिंग डोर लॉक होता है, कि 15 की स्पीड के ऊपर जैसे ही आपकी गाड़ी 16 पे पहुंचेगी, ऑटोमेटिक आपके डोर्स जो हैं वो लॉक हो जाएंगे, अनलॉक होंगे। तो अगर अभी आप इसे D1 पे सेट कर देते हैं, D1 सिलेक्ट कर देते हैं, मतलब ये D2 का SL1 सिलेक्ट कर देते हैं, तो फिर ये ऑटोमेटिक लॉक नहीं होंगे, आपको मैनुअली ही लॉक करने पड़ेंगे। तो इसे मैं भी D2 पे रहने देता हूँ और बैक आ जाते हैं। उसके बाद फिर क्लॉक वाइज घुमाएंगे, ये D3 आ गया, D3 को दबाएंगे इसे। अब इसमें SL1, SL2, SL3, D3 में ऑप्शन है आपका SL3 और SL1। तो अभी मेरा SL3 सिलेक्ट है। इसका काम क्या है, आप जब भी कहीं से कार चला के आ रहे होते हैं और इग्निशन से आप अपनी की को बाहर निकालते हैं, वैसे ही आपकी कार के डोर अनलॉक हो जाते हैं। और अगर आप इसे SL1 पे सिलेक्ट कर देंगे तो फिर आपको वो मैनुअली अनलॉक करने पड़ेंगे। आप जब की निकाल लेंगे इग्निशन से तो वो जो सारे डोर्स आपके अनलॉक हो जाते हैं, अनलॉक नहीं होंगे। D3 सिलेक्ट है इसलिए अभी होंगे, तो मुझे इसे इसी पे रखना है। फिर से क्लॉक वाइज घुमाते हैं, ये बैक आ गया, दबाते हैं, बैक पे आ जाते हैं।
डोर की लास्ट सेटिंग है D5। फिर से ओके करते हैं इसे। ये देखिए इसमें SL1 सिलेक्ट है और SL2 दो ऑप्शन है, SL1 SL2। तो अभी मेरा SL1 सिलेक्ट है। इसका काम क्या है दोस्तों, हम लोग जब भी रिमोट से अपने कार के रिमोट से कार को लॉक और अनलॉक करते हैं तो एक बीप की आवाज आती है। अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए ये जो आवाज आती है, इस आवाज को अगर आप बंद करना चाहते हैं, दोबारा फिर से पहुंचते हैं उसी सेटिंग पे। डोर D5, ये देखिए SL1 सिलेक्ट है। अगर आप इसे SL2 सिलेक्ट कर देंगे तो ये जो बीप साउंड आता है लॉक और अनलॉक करने पे, ये नहीं आएगा, साइलेंटली लॉक और अनलॉक हो जाएगी। तो मैं अभी इसे SL1 पे ही सिलेक्ट रहने देता हूँ। उसके बाद डोर्स की ये चारों सेटिंग्स हो गई। बैक आते हैं, ये देखिए फिर से बैक और ये है। तो ये हैं आपकी डोर्स की चार सेटिंग्स, जिन्हें मैं समझ रहा हूँ कि मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है और आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को, कमेंट करें। अभी तक अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।